नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी। पूरे देश में इस समय भक्ति का माहौल है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि जो चल रही है, इस दौरान कई भक्तों ने 9 दिन के उपवास भी रखे हैं। ये वीडियो खासकर उनके लिए ही है। अब व्रत में फलाहार के तौर पर खाया जाने वाला सबसे प्रिय भोजन है आलू। 9 दिनों में सबसे ज्यादा लोग आलू का ही भोजन करते हैं। आलू बहुत लोगों के फेवरेट होते हैं। परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलता है कि 9 दिन के बाद आपका वजन बढ़ चुका है। इसके अलावा आलू खाते खाते भी इंसान उब जाता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू के अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स। तो इस नवरात्रि में आलू छोड़िए, इस बार ट्राई करें कुछ हेल्दी सब्जियां, जिससे आपको आपके वजन में फर्क नजर आएगा। तो इस नवरात्रि में आप हेल्दी सब्जियां खाएं और अपने वजन को घटाएं या फिर मेंटेन रखें। आलू के अल्टरनेटिव में जो सबसे पहली सब्जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है अरबी। अरबी का टेक्सचर आलू से मिलता जुलता होता है और इसमें स्टार्च की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। तो आलू की जगह पे आप अरबी को अपनी डाइट में शामिल करें। इससे आप उबालकर आटे में गूंथकर इसके पराठे बनाकर खा सकते हैं। तो नंबर 2 पे हम बात करेंगे शकरकंद की। तो जिन लोगों को आलू के साथ ऑब्सेशन है, जिन्हें आलू बहुत ज्यादा पसंद है, उनके लिए शकरकंद एक बेस्ट ऑप्शन है, जो कि आलू की फैमिली से बिलोंग करता है। साथ ही इसका टेक्सचर आलू के जैसा होता है। तो शकरकंद को आप एज अ स्नैक्स खा सकते हैं। इसे आप भूनकर या उबालकर छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए खाएं। शकरकंद खाने से पेट बहुत ज्यादा देर तक भरा रहता है, जिससे कि आप बाकी की चीजें बीच बीच में ना खाएं। इससे आप कम खाना खाएंगे और आपका वजन मेंटेन रहेगा। नंबर 3 पे हम बात करेंगे कद्दू की। बहुत से लोग मेन मील में आलू की रसेदार सब्जी बनाकर उसे समा के चावल से या फिर कुट्टू के आटे की पूड़ी से खाते हैं, लेकिन 9 दिन लगातार आलू की सब्जी खाना बहुत ज्यादा उबाऊ है, इसीलिए आप कद्दू की सब्जी ट्राई करें। जैसे कि आप आलू की रसेदार सब्जी बनाते हैं, सेम रेसिपी से आप कद्दू की रसेदार सब्जी बनाएं। इसके अलावा कद्दू का रायता भी बनता है, और अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप कद्दू का हलवा बनाकर खाएं। तो कद्दू के बाद बात करते हैं कच्चे केले की। फाइबर युक्त कच्चा केला व्रत के दौरान बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इससे पेट से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कच्चे केले की सब्जी बनती है और इसके कटलेट भी बनते हैं। तो व्रत के दौरान खाली पेट रहने से पेट में हो जाती है एसिडिटी। कच्चा केला एसिडिटी को हटाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। तो 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कच्चे पपीते की। कच्चे पपीते के गुणों से तो हम सभी वाकिफ हैं। ये तो हम सबको पता ही है कि कच्चा पपीता डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर स्किन तक के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ठीक उसी तरह ये बॉडी की अवरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। इतना ही नहीं, कच्चे पपीते से बॉडी फैट भी कम होता है। ये वेट लॉस के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही ये टेस्टी भी होता है और व्रत में इसे आप खा भी सकते हैं। तो आइए बात करते हैं लौकी की। लौकी को भी व्रत में खाया जाता है। इसमें पानी की मात्रा भरपूर होती है, जिसके नतीजे स्वरूप ये डिहाइड्रेशन की समस्या में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। उपवास के दौरान आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए, साथ ही रसीले फल और सब्जियां भी खानी चाहिए। तो लौकी काफी ज्यादा रसीली सब्जी होती है। इतना ही नहीं, इसमें फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। साथ ही इसमें होता है विटामिन बी, जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखता है। और लौकी खाने से आपको फिल महसूस होता है, यानी कि भरा भरा महसूस होता है और जल्दी भूख नहीं लगती। तो चलिए आखिरी सब्जी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है गाजर। जब आप 9 दिन 24 घंटे व्रत रख रहे हैं तो आप पूरे दिन तो भूखे रह नहीं सकते, आपको कुछ ना कुछ तो बीच में खाते रहना पड़ेगा। तो स्नैक्स के लिए तला भुना ना खाएं, बल्कि आप उसकी जगह पे गाजर खाएं। व्रत में जब भी किसी का स्नैक्स करने का मन होता है वो तला भुना ही खाता है। तला भुना आप 9 दिन के उपवास में बहुत ही कम खाएं। गाजर जैसी हेल्दी चीज को आप अपनी डाइट में शामिल करें, जिसमें कैलोरीज बेहद कम होती है और ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। तो मैंने आपको आलू की जगह पे बहुत सारे अल्टरनेटिव्स बता दिए हैं, जो कि आप इस 9 दिन के उपवास पे जरूर ट्राई करें और वजन बढ़ाएं नहीं, बल्कि 9 दिन में आप अपने वजन को मेंटेन रखिए या फिर आप अपने वजन को घटाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही जिन लोगों ने उपवास रखा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।